क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। अभी एक्चुअली है शाम का समय, आज है वापस रिटर्न होने की तैयारी। अभी जस्ट ही कुछ सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, अभी सामान समेटना है। और ठीक है, फिर मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। ठीक है, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था स्नो में, तो घूमते फिरते इधर उधर, और दीदी लोगों से भी मुलाकात होगी काफ़ी ज़्यादा, ढेर सारा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और स्नो का एक बार और लास्ट टाइम आपको व्यू दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। पहाड़ों में अभी भी स्नो बनी हुई है। अभी शाम के लगभग बज रहे हैं 3। इन दो मॉर्निंग में तो निकलने का नहीं हो पाता है, उसका रीज़न ये है पाला गिर जाता है, जिसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती है। फिर हमारे पास है बाइक, तो बाइक से तो काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, कहीं बस फिसल गए तो भाई लुढ़क गए समझ लो, टूट गए फूट गए लग गई कहीं ना कहीं, तो इस तरह का हो जाता है माहौल। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हो जाए। तो अभी जो है रोड का व्यू यहीं से दिखाता हूँ, देखो हल्की हल्की जो है गाड़ियाँ चलने लगी हैं। और फाइनली अभी उमेश भाई कहाँ गए हो हैं भाई? भाई का मन नहीं भर रहा है, भाई फुल स्नो में एंजॉय कर रहा है। और मैं दिखा दूँ आपको स्नोपी, आपको प्यार से नहीं दिखा पाया था। हेलो हेलो स्नोपी, हेलो नहीं बोलो पिंकी, हेलो पिंकी नाम है कोई, तो स्नोपी बोल रहा था। गुड, वाह बैठना है लुल्लो। अब मैं जल्दी से हो जाता हूँ तैयार, एंड अभी पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ, तो फाइनली अभी निकलते हैं। देखो दिखाओ दिखाओ कैसा लग रहा है। अरे यार रात को पता नहीं सोए सोए चुड़ैल आ गई, शायद ऐसे लगा दिया, अंदाजा ही नहीं आया, अंदाजा ही नहीं आया। तो बड़ा पूरी तरह से पैक हूँ, चलो फटाफट से निकलते हैं। चलो भाई चलते हैं, और तैयारी जो है पूरी तरह से हो चुकी है, बैग तैयार है, ठीक है, और तिलक भी लगा लिया। तो यहाँ पे निराशा व्यक्त करते हुए मेरा जूता भिगा दिया था इन्होंने, क्यों जाए ना जाए। अब आऊँगा मैं यार जल्दी से। ये नाराज हो रहे हैं, आऊँगा बहुत जल्दी आऊँगा ना। क्या? हाँ हेलमेट हेलमेट लाओ बाबू, हेलमेट दे दो। चलो फिर आप ही लगाओ एक बार, इनकी तसल्ली के लिए एक बार ये हेलमेट, क्योंकि यार होता है ना, हमने भी बचपना कुछ इसी तरह से निकाला है। बचपन में जो हमें इस तरह से कुछ अगर चीज़ें देखने को मिल जाती थी तो भाई काफ़ी ज़्यादा मन करता था। ये अंतरिक्ष से यान जैसे दिख रहे हैं, बड़ा सा लव बाबू अब निकाल देते हैं। तो फाइनली गाइज, तो आ जाओ चलें फिर। उमेश भाई पूरी तरह से तैयार हैं। जीजाजी आ रहे हो फिर आप नीचे तक? चलो ये रोड तक आ रहे हैं। पर मेरा एक जूता इन्होंने भिगाया था, देखो ये सोच रहे थे कि मैं ना जाऊं, बट यार चुनाव का प्रचार चल रहा है। और ये देखो ये तो गाइस फाइनली जूते भी लगा लिए हैं, अब जो है चलने की तैयारी में। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। ओ माय गॉड, तो चलते हैं गाइस फिर। अभी वो लोग चले गए हैं आगे आगे, पूरी ठीक छपे हैं, बैठा उदी पला मनेज बैठा पे हैं, बैठो जीत रहो जीत रहो जीत रहो बाबू जीत रहो जीत रहो जीत रहो जीत रहो जीत रहो। तो गाइस लास्ट टाइम ये देखो गाइस मेरी हरकतें, देखा हेलमेट गिर गया हाथ से, तो गोबर लग गया तले, ये गोबर लग गया। अब थोड़ा सा लगाए, ज्यादा नहीं। बाय बाय। तो लास्ट टाइम हाँ ठीक है मानस फिर बैठो। तो भाई यार इसमें ना फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं। ओए भाई ये गाइस यार मैं तो गिरते रहता हूँ भाई, यहाँ पर भी गिर गया, गिरते जा रहा हूँ। अरे आराम से यार, पे हाँ ठीक है ठीक है। तो सब लोग कह रहे हैं जो वीडियो है ना उसको जल्दी जल्दी भेजना, क्योंकि गाइस ना यहाँ पे लाइट नहीं होने की वजह से हो सकता है ये वीडियो आपके पास भी थोड़ा देर में पहुँच रहा हो। तो यहाँ से मुझे ये देखो भाई संभल करके जाने की ज़रूरत है, भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नो ही स्नो। तो गाइस ऐसे रास्ते में आ रहा हूँ, अभी इस रास्ते जाना है, मैं 3 बार तो यहाँ गिर चुका हूँ और इसमें मैं गिरते गिरते हालत हो जा रही है ख़राब। तो दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत नहीं करी, तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हो चली है एक और नई सुबह, लेकिन आज तो शाम अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से
एंड खूबसूरत से पहाड़ों में आज हम चलने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे जाना है वहाँ, तो वहाँ तक जाने के लिए भाई इस वाले रास्ते गिरते गिरते ही जाना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा संभल करके चलने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों ये गाय गिर गया ना फिर से भाई, गिरते गिरते हो रही है हालत ख़राब, तो वहाँ तक पता नहीं कैसे पहुँचूँगा, आई डोंट नो। तो भाई फिर भी उठना पड़ेगा, चलता हूँ। अभी मैं पहुँच गया हूँ गली वाली रोड में, बोले तो मोहल्ले वाली रोड में, अभी मेन रोड में नहीं पहुँचा, यहाँ तक गिरते गिरते पहुँचा हूँ। और ऐसे मुझे साइड चलना हो रहा है क्योंकि यहाँ से ना प्रॉपर पानी चल रहा है, बर्फ़ जो है पिघल रही है धीरे धीरे, और मैं साइड से चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे फिसलन कम होगी। आराम से रोड में जाता हूँ पहले। तो रोड में पहुँच गया हूँ, ये है वो मेन रोड जिसमें अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी जेसीबी। तो गाइस अब हम चलते हैं, और उमेश भाई पहले ही गाड़ी के पास आ चुके हैं, ठंड के मारे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, क्या बात, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि ठंड के मारे बहुत निकाल दिए बर्फ, भीग भी चुका। बड़ी जल्दी आ गए यार, आगे और पीछे से पता है मैं 3 बार तो गिर गया। अब मैं ट्राई करता हूँ, हल्का गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चलते हैं फिर जीजा जी। अच्छा। ठीक है बैठा, जय श्री। खूबसूरत सी पहाड़ियों के बीच में अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है क्योंकि गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। अभी हमें जाना है इस वाले रास्ते, तो फाइनली तो गाइस बने रहो ब्लॉग में यार, हल्का सा मोटो ब्लॉग भी कर लेगा आपका भाई, डोंट वरी। आगे से गाड़ी आ रही तो उसको हल्का सा पास दे देंगे, तो बैठो। हाँ हाँ चलें, ठीक से। उमेश भाई कैसा लग रहा है, मजा आ रहा ना, ठीक है आराम से चला। बहुत बार गए आप लोगों ने देखा, काफी ज्यादा नहीं हद से ज्यादा हमारा बुरा हाल हुआ था, लेकिन इसमें तो देखो कितनी है ना। हाँ काफी ज्यादा भाई, अभी भी बहुत ज्यादा है। और सुबह जो जेसीबी लगी थी ना उन्होंने सही करा, सब साफ सफाई से बढ़िया करके गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी ऊपर नीचे आप देख रहे होंगे ना काफ़ी ज़्यादा स्नो, और रोड में आपको पानी इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अब स्नो जो है पिघलने लग गई है, यू नो। एंड अभी हम यहाँ से जाएंगे हाय हाय, सिंगर है भाई अपना। यूं तो कहीं दिल न लगाया हमने किसी से, हम तो है एक इतना ही आता है। तो भाई एक दूसरे गाने की शुरुआत की जाए। वाह 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 भाई, उसने पहाड़ों का क्या कहना कि बारों महीने मौसम जानो का क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जानो का। हाय 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 हाय, क्या मजा ही आ रहा है भाई। आते समय हम इस रास्ते काफी ज्यादा गिरे थे गाइस, लेकिन ना भाई अकेले लाया था मैं अकेले, और पता है मैं चल के आ रहा था, दादी थोड़ा साइड हो जाओ क्योंकि भाई यहाँ से दादी रो से हल्का सा साइड हो जाओ, दादा थोड़ा। थैंक यू। तो भाई क्योंकि यार उनको हटाना जरूरी था, मैं अगर साइड जाता ना मैं फिसल जाता, क्यों भाई आराम से गाड़ी का हॉर्न भी ठंड में हो गया है जाम। और पता है ऊपर से स्नो, ये पेड़ों से स्नो भी गिर रही है। हाँ गिर रही है, क्या मजा ले रहे हैं भाई, लोग भी मजा ले रहे हैं भाई, ले रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पर फिसलन हो सकती है क्योंकि पैर लगा दिए भाई ने, भाई का सपोर्ट काफी ज्यादा है मुझे पीछे से, भाई आते समय भी ऐसा ही था क्योंकि ना मेरे पैर कम पहुंच पाते हैं तो इसलिए भाई। तो गाइस उम्मीद करो हम गिरे ना, गिरेंगे तो ना बहुत ज्यादा चोट लगने वाली है, पिछली बार भी बहुत लगी है, तो
काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है। और यहाँ से तो मुझे लगता है स्नो भाई साफ नहीं कर रखी है यार। तो यहाँ तक नहीं आई है यार। कोई नहीं, हम आए थे तो जाएंगे भी। तो भाई कार नहीं जा पा रही, तुम ऊपर से निकाल लो। साइड दादा, मैं साइड से निकाल लूं? आराम से लाओ, आराम से, आराम से। अरे यार हमारा यहाँ गाइस जैसे होते रहता है, परसों हमारा मौसम जब टूटा, हमारी तो बाइक ही टूट गई थी। अभी इनका तो खाली मौसम ही टूटा है कार वालों का, क्योंकि गाइस ये वो रोड है जहाँ पे कम चलती हैं गाड़ियाँ। शायद हमें आगे उम्मीद है कि हमें अब इसको साइड दे दे, कार वाले फिर से आ गई क्या गाड़ी? यहाँ पे दे दो, इसको साइड दे दो। आ गई, इनको चलो। अरे यार बैठो यार भाई, बैठो। आ जाओ। तो गाइस मैं भी सोच रहा हूँ क्यों नहीं यहाँ पे यार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, खतरा काफी ज्यादा है। इनको जाने देते हैं आगे से, क्योंकि ना देखो काफी ज्यादा स्लिप खा रही भाई गाड़ी। देखो अरे भाई क्या स्लिप खा रही है, बट हमारी गाड़ी तो दोनों में ऐसा होता ना, बाइक दब जाती है तो ज़्यादा सस्पेंड नहीं होती। चलना है अबे राइट और लेफ्ट को हम छोड़ देते हैं, तो राइट की खूबसूरत सी वादियों में रखना हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस वाओ, ये देखो भाई, संभल के भाई, ये संभल के चलेंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। हाँ काफ़ी ज़्यादा इसमें। तो गाइस ना फाइनली मैं अभी जो है मोटर ब्लॉगिंग यहीं पे थोड़ा बहुत रोकता हूँ, अब आपको सीधे वहीं मिलता हूँ। शाम के लगभग वही 4:30-5 बज रहे हैं, क्योंकि अभी हमें काफ़ी दूर जाना है। तो इन खूबसूरत सी वादियों का व्यू चलिए फिर यहीं तक दिखाते हैं, और आगे फिर ब्लॉग में बने रहना। मिलते हैं आपको वहीं, बोले तो कहाँ, रुद्रपुर। ये लास्ट मोड़ यहीं पर रोकते हैं। समय हो चुका है 8:06 और उसके साथ ही अभी भैया ने जो है डिनर की सारी व्यवस्था कर ली है। बोलूं तो खाना उन्होंने बना रखा है। अभी जस्ट हम पहुंचे हैं और उमेश भाई जो हैं अभी कपड़े कर रहे हैं चेंज, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। आई होप यह व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, और क्या क्या करना है आप लोगों को पता ही है। तो मैं भी जो हूँ काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, और सारे रास्ते भाई ड्राइव मैंने ही किया, उमेश भाई ने पीछे बैठे बैठे बस फुल मस्ती की है और कुछ नहीं। तो चलिए फिर आज के इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखना ख्याल, टेक केयर एंड बाय बाय।